हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 90 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 2.5% की तेजी देखने को मिली है, एक महीने में 1.5% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है, 3 महीने में 6.5%, 6 महीने में 7% की करीबन की तेजी देखने को मिली है। तो लगातार देखें तो अब इस स्टॉक में निचले लेवल पर एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, परंतु एक साल में इस स्टॉक में 7.5% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है 128 रुपीज, 128 रुपीज के इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी मात्रा में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक का आप देखिए तो नीचे का एक फ्रेश सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 66 रुपीज, 66 रुपीज के इस स्टॉक में नीचे का एक लो है जहां से स्टॉक में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली है इस प्राइस पर। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 75 रुपीज, 75 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 105 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं और लॉन्ग टर्म को व्यू रखें, वहां पर एक अच्छा और बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।